कलां कल्याण अधिकारी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जी हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों को आज भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम उपकरण दिए गए हैं, जिसके निर्देशन में आदरणीय विधायक जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। मैं चाहूँगा दो शब्द इस पर आप प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमें बताएं, अपना थोड़ा सा मार्ग आप नीचे कर सकते हैं, आप अपना नाम बताएं और बताइए कि सरकार के माध्यम से आपको जो लाभ मिला इसका क्या उपयोग आपके जीवन में होगा। मेरा नाम नईम अख्तर है, मैं लंबा का रहने वाला हूँ और हमको विधायक जी के तरफ से जो कुछ मिला है अच्छा है, हम इसका जो उपयोग कर रहे हैं, हम इसी से चलते फिरते रहते हैं, वहाँ आना जाना रहता है, हम इसी से चलते फिरते रहते हैं। अब आप विधायक जी भाई तो सब लोगों को मरे होते जो है बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, हमको हर साल 2-3 साल पर मिल जाता है, हमारे बहुत अच्छा है। जाइए थोड़ा अभी आ जाइए थोड़ा लड़के भी भाई भी लग सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छे जो है मतलब काम किए हैं और आप हमारा स्वागत आगे बढ़ते रहिए और हर काम आपके अनुभव से हो रहा है, हो रहा है, आप बढ़िया हो रहा है। मतलब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से आपके जीवन में एक नई किरण आई है, आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, आप भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। मैं इसके बाद में बस जी हमारे बीच में है लभुआ विधायक हैं, मैं चाहूँगा कि दो शब्द बस आप इस कार्यक्रम के सापेक्ष आप अपना थोड़ा सा आशीर्वाद हमारी जनता को और हमारे चैनल को दें। देखिए आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं सबको बधाई देता हूं और गणतंत्र दिवस के गण के जो अंतिम व्यक्ति हैं, जो अंत्योदय जिनका है, जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांग कहा है, उन लोगों को अंतिम व्यक्तियों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैं यही कहूँगा कि जो ज़रूरतमंद और दर्दमंद लोग हैं उनके लिए शोहरतमंद, अक्लमंद और दौलतमंद लोगों को आगे बढ़ना ही चाहिए और सरकार और जनता जनार्दन के समक्ष लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और यही सुशासन की कल्पना यही है, इसी को सुराज सुशासन या रामराज्य जो भी आप कह सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, अभी आपने एक शब्द कहा कि किसी के काम आ जाना ही असली जीवन है और मैं चाहूँगा इसी सापेक्ष में आदरणीय जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, दिव्यांग कल्याण अधिकारी हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा आदरणीय चंद्रेश त्रिपाठी जी से कि दो शब्द आप अपने इस सरकार की इस योजनाओं के विषय पर प्रकाश करें। सर्वप्रथम सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, जैसा कि दिव्यांगों के प्रति जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं जिले में दिव्यांग जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत और ब्लॉक लमुआ में इससे पहले असेसमेंट किया गया था, उपकरण वितरण का अतिथि माननीय विधायक जी से लेकर के गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर वितरण कार्य आपके सदन से आपके यहाँ कर्तव्य द्वारा कराया। बहुत बहुत बधाई आप सबको और एक चीज़ मैं सबको जनता जनार्दन को कि आज कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ सफाई के लिए एक आह्वान किया था, कल माननीय योगी जी ने आज के दिन साफ सफाई करने के लिए एक आह्वान किया था और हमें सैकड़ों लोगों ने फ़ोन करके बताया, मुझे और मेरे सहयोगियों ने, उन्होंने साफ सफाई का काम अपने घर द्वार से अलग भी रखकर साफ सफाई का काम किया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि साफ सफाई एक दिन का काम नहीं है, आज जो आपने साफ सफाई काम किया है इससे आप लोग एक अपने लिए शिक्षा लीजिए और आगे भी इस तरह के साफ सफाई का काम नियमित रूप से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।